स्वागत है देखते आज की खास खबर। कोर्ट का नया फैसला, ससुराल का दर्द मायके में जारी रहा तो मानी जाएगी प्रताड़ना, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मायके में पीड़ित महिलाओं के लिए एक अहम व्यवस्था दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले बेंच ने कहा कि अगर ससुराल में पति या ससुराल वालों ने प्रताड़ना की है और महिला ने ससुराल छोड़ मायके में पनाह ली है तो ऐसी स्थिति में अगर वो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक तनाव से गुजरती है, अगर वो मायके में मनोवैज्ञानिक तनाव झेल रही है और मानसिक अवसाद से गुजरती है तो उसे मायके में हो रही प्रताड़ना माना जाएगा। अगर प्रताड़ित पत्नी अपना ससुराल छोड़ मायके में रहने के दौरान मानसिक तनाव और अवसाद से गुजरती है तो महिला की प्रताड़ना जारी है ऐसा माना जाएगा। महिला अगर मौन भी है तो वह भावनात्मक तनाव और मानसिक ट्रॉमा माना जाएगा। अदालत ने कहा कि पेरेंट्स के घर अगर मेंटल हेल्थ पर विपरीत असर हो रहा है तो और उससे पहले पति और ससुरालियों ने ससुराल में लड़की के साथ प्रताड़ना की है तो ऐसी स्थिति में ये पेरेंट्स के घर पर दहेज प्रताड़ना के तहत हुआ अपराध माना जाएगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।